यूक्रेन पर रूस के अटैक के 16वें दिन जंग और खूंखार हो गई है। यूक्रेन के हर बड़े शहर पर रूस भीषण अटैक कर रहा है। रूसी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। रूसी आर्मी की तोपें आग बरसा रही हैं। इन सब के बीच अब रूस का फोकस यूक्रेन की राजधानी कीव पर है। कीव पर कब्जे के लिए रूस का भारी भरकम 64 किलोमीटर लंबा फौजी काफिला करीब 10 दिन पहले रवाना हुआ था। कीव के रास्ते में इस काफिले पर कई अटैक हुए। यूक्रेन की सेना के ड्रोन ने कई बार इस काफिले को निशाना बनाया। पिछले 10 दिनों में इस काफिले को लेकर तरह तरह के सवाल उठे। कभी कहा गया कि रूस का ये काफिला रास्ते में खो गया, कभी इस विशाल सैन्य काफिले की रफ्तार को लेकर सवाल उठाए गए। इस काफिले में शामिल हथियारों को लेकर अब तक रहस्य बरकरार है। चंद दिनों पहले सैटेलाइट तस्वीरों में यह काफिला कीव के बाहर देखा था, लेकिन उसके बाद इस काफिले के निशान नहीं मिले। लेकिन अब ये पुख्ता खबर है कि इस भारी भरकम सैन्य काफिले ने कीव को घेरना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि सैन्य रणनीति के तहत ये काफिला अब कई हिस्सों में बढ़ चुका है। कीव के आसपास कई अलग अलग लोकेशंस पर काफिले में शामिल सैनिक पोजीशन ले रहे हैं। कीव के पास जंगलों में छिपकर रूसी टैंक आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से बचने के लिए रूस ने अपने काफिले को कई हिस्सों में बांट दिया है। इसके साथ ही कीव को चारों ओर से घेरने के लिए रूसी सेना कई हिस्सों में बट गई है। इसी बीच रूस के कुछ मल्टीपल रॉकेट होस्टोमेल में एंटोनो एयरबेस के पास तक पहुंच गए हैं। वहीं रूस की सेना की एक टुकड़ी कीव से 17 मील उत्तर पश्चिम में ओजेरा शहर तक पहुंच गई है। यानी रूस अब कीव पर फाइनल अटैक के लिए तैयार है। बेहद रहस्यमय तरीके से आगे बढ़ा रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला अब अपने मुकाम तक पहुंच चुका है। अब किसी भी वक्त कीव पर बारूद की बारिश हो सकती है। कीव को घेरने के बाद अब रूस की आर्मी पर फाइनल अटैक करने की तैयारी कर रही है। इस बीच रूस ने अपने सैनिकों को रासायनिक हथियारों से हमले के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। रूस ने अपने सैनिकों को कहा है कि वो रासायनिक हमले को लेकर सतर्क रहें। यूक्रेन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मिलकर बायो और केमिकल वेपन बनाए हैं। रूस ने अपने सैनिकों को केमिकल अटैक से बचने के लिए मास्क और दूसरे जरूरी सामान साथ लेकर चलने को कहा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश बायो और केमिकल वेपन नहीं बना रहा था और ना ही वो जंग में इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जंग में कामयाबी नहीं मिलने से नाराज पुतिन रासायनिक हथियार के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकते हैं। रासायनिक हथियार इस्तेमाल के बहाने के तौर पर यूक्रेन पर बायो वेपन बनाने का आरोप लगाया गया। इससे पहले भी अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया था कि रूस यूक्रेन पर अटैक के लिए अपने इलाके में केमिकल वेपन का बहाना बना सकता है। केमिकल वेपन के इस्तेमाल की चर्चा से दहशत फैल जाती है। ऐसा क्यों, हम आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल रासायनिक हथियारों को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की श्रेणी में रखा जाता है। इससे डरने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि यह पल भर में यानी पलक झपकते ही हजारों लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देता है। केमिकल वेपन कई तरीके के रसायन यानी केमिकल्स को लेकर मिला करके तैयार किया जाता है। रासायनिक हथियार में लोगों की मौत पॉइजनिंग से होती है। रासायनिक हथियार का असर तात्कालिक होता है। ये पलक झपकते ही हजारों लाखों लोगों की जान ले लेता है। रासायनिक हथियारों का निशाना हमारा शरीर होता है। रासायनिक हमले कितने खतरनाक हैं ये इस बात से समझा जा सकता है कि इससे लोग घुट घुट कर मरते हैं। और सबसे खतरनाक ये कि ये हमला कब हो जाता है पता नहीं चलता। जब तक किसी को पता चलता है ऐसा कोई हमला हुआ है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हजारों लाखों लोगों की मौत हो चुकी होती है। मस्टर्ड गैस, सरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन साइनाइड और टियर गैस, ये वो रासायनिक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर होता है। ये रासायनिक हथियार इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका असर तब तक बना रहता है जब तक हवा को साफ नहीं किया जाता। यहां आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कब कब इन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ने दुनिया में तबाही मचाई है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 तक जंग के दौरान क्लोरीन और फॉस्जन गैसों का इस्तेमाल किया गया था। इससे 90,000 लोग मारे गए थे।
1988 में इराक ईरान युद्ध के दौरान इराक ने कुर्द निवासियों के खिलाफ मस्टर्ड गैस, नर्व गैस का इस्तेमाल किया था, इससे हजारों लोगों की मौत हुई थी। 1994 में जापान ने सरीन गैस का इस्तेमाल किया गया, इससे 8 लोगों की मौत हुई। 1995 में टोक्यो मेट्रो में हुए सरीन हमले में 12 लोग मारे गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन नाजियों ने भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था। अल्बानिया, इराक, लीबिया, रूस, सीरिया और अमेरिका जैसे देशों के पास रासायनिक हथियार हैं। हालांकि अल्बानिया, लीबिया, रूस और सीरिया ने केमिकल वेपन को नष्ट करने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुल 72,304 रासायनिक हथियारों में लगभग 96% यानी 69,610 को नष्ट किया जा चुका है।